दिनांक 19/6/2022 को बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में एक आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया। दरअसल आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मुसलमानों का कहना है कि उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, जिसके बाद बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने एक विशाल आंदोलन की चेतावनी 17 जून को करने की दी थी। 17 जून को जुमे की नमाज के कारण आंदोलन को कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद 19 जून को इस कार्यक्रम को रखा गया था। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हम इस्लामिया ग्राउंड में आ चुके हैं। यहां पे तौकीर रजा ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान को देके जो आंदोलन की चेतावनी दी थी, उसमें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं मुसलमानों का एक इतना बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि तौकीर रजा की एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक बड़ी संख्या में मुसलमान है और बरेली के अंदर चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है। बरेली के अंदर चप्पे चप्पे पे पुलिस मुस्तैद कर दी गई है और हर तरफ एक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में मुसलमान धीरे धीरे इकट्ठा हो गया था और अब धीरे धीरे अपना घर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए और उसको गिरफ्तार करा जाए जल्द से जल्द। और लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने आप को, अपने बच्चे, माल दौलत सब कुर्बान कर देंगे। हम लोग आज के रसूल हैं। अगर उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर क्या रहेगा? दोबारा प्रदर्शन करेंगे, दोबारा बार बार। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मुसलमान जो है बार बार सड़कों पर उतरता रहेगा। इतनी बड़ी संख्या में इस बार मुसलमान इकट्ठा हुआ तो क्या लग रहा है इससे कोई सियासी हलचल होगी? इससे ज्यादा बड़ी संख्या में मुसलमान उतरेगा। हम अपने नबी के लिए जान देने के लिए कुर्बान है और उनको इसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। क्या नाम आपका? फैज मोहम्मद फैज अली खान। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर इस बात पे कि इतना ज़्यादा हम लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा गम है इस चीज़ को लेकर के कि सर गवर्नमेंट जो है हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, कि इन्हें ये चाहिए कि सब सांप्रदायिक एकता, जो इक्वेलिटी है ना देश की, सर वो इस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो रही है। सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि जो समानता है, जो हमारी जो कि हमारी ये यूनिटी का जो स्पॉय जो बुकेट है ना सर हमारी कंट्री का, हिंदू मुस्लिम एकता का, सिख ईसाई एकता का, वो सारा बुकेट ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो है इसको स्पॉइल कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ये सिर्फ हम इस वजह से एहतजाज हमने किया, वो भी अमन और शांति के साथ। हमारा पैगाम हमेशा यही रहता है कि अमन और शांति के साथ सारी ही चीज को, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी चीज को लेकर के कोई भी ऐसी बात क्रिएट हो जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। हमारी वजह से हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी अभी ये प्रशासन से अपील है और बहुत ज्यादा हम इस चीज को डीपली लेते हैं कि सर कोई भी हमारे दीन में, कोई हमारी उसमें, ये देखिए हम किसी की फीलिंग्स को अगर हर्ट नहीं करते हैं ना, दीनी फीलिंग्स को, तो कोई हमारी फीलिंग्स को हर्ट करे वो हमें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम उस चीज का कानून के दायरे में रह करके उस चीज का वो करते हैं, विरोध करते हैं और बिल्कुल प्रशासनिक तरीके से, और प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि और जितना इस टाइम बरेली में पब्लिक है, जितनी लोग आए हुए हैं इस एहतजाज के अंदर, जितना प्रशासन ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हमें दिल को खुशी मिली है कि हमारे साथ प्रशासन इतना अच्छे से सारी चीज को मेंटेन करके चला। और दूसरी बात ये कि जो हमारे देश में हो रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम जो हमारे सर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि इस इतने सारे मैटर होने के बावजूद अगर वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े गम की बात है और बड़े उसकी बात है, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब जो हमारे इंडिया की पहचान है, जो हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे इंडिया की पहचान है, वो सिर्फ इस बात पर डिस्ट्रॉय हो रही है कि एक कम्युनिटी के साथ ऐसा भेदभाव करा जा रहा है और दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल ही वो नहीं करा जा रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि जल्द से जल्द इस पर प्रॉपर एक्शन ले, प्रॉपर तरीके से इस बात को जो है स्टेप ले, ताकि इन्हें अरेस्ट कर करके जो है हमारे जो आहत हुई है हमारी भावना, हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम सबसे ज्यादा अपना अजीज मानते हैं, जिनके लिए हमारी जान कुर्बान है, जिनके लिए हमारी जान हाजिर है, हम क्योंकि हमारे नबी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी की जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हमारे नबी ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया। हमारा पैगाम ये रहता है, हमारा पैगाम ये नहीं रहता है कि आप किसी मुल्क की जो अपने मुल्क से मोहब्बत ना करें, अपने मुल्क से मोहब्बत, हम पक्की अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की जो अगर हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनकी देवी देवताओं को, जितने भी लोग हैं, हम उन सबका आदर करते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, उन सबकी उसको वो करते हैं, लेकिन हम हमारे लिए, हमारे दीन के लिए, अब हमारे नबी ने जो हमें पैगाम दिया, हम उनके लिए जो है कोई हमें ये बोले कि उनसे इस तरह की गलत, उनके खिलाफ जमानदराजी करे, तो वो हमारे लिए बड़ा ही गम का मसला है और हमारे दिल को इस बात से आहत हुई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर प्रॉपरली जल्द से जल्द एक्शन ले इमिडिएटली, ताकि हमारी जो भावनाएं आहत हुई है उसको हम ये समझे कि हाँ गवर्नमेंट इक्वेलिटी
वाला जो है मैटर कर रही है, समानता कर रही है, ना कि ये कि किसी भी तरीके से भेदभाव कर रही है किसी के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ भी। हमारा पैगाम यही है।